हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर फाइनली हम सभी आईपीएल टीमों की एक एक करके टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर रिस्पांस अच्छा रहता है तो फिर सभी आठों की आठों टीमों के लिए हम इस सीरीज़ को ज़रूर कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में, क्योंकि आपने आरसीबी की टीम के सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स किए थे, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टारगेट प्लेयर लिस्ट पूरी डिटेल में बताऊंगा, उनके मेगा ऑक्शन पर्स के हिसाब से क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे से पहले, अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात की जाए तो ऑलरेडी तीन प्लेयर्स को रिटेन कर चुके हैं। तीन प्लेयर्स में नाम निकल कर आता है विराट कोहली, उनके साथ ही ग्लेन मैक्सवेल और उनके साथ ही मोहम्मद सिराज, जिसका मतलब है 33-33 करोड़ रुपए आरसीबी के बैलेंस पर्स से डिडक्ट हो चुके हैं और 57 करोड़ रुपए का बैलेंस पर्स लेकर आरसीबी की टीम आपको मेगा ऑक्शन में करते हुए नजर आएगी। ये पैसे काफी हद तक सफिशियंट हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी टीम है जिनका बैलेंस पर्सन से कम है। अब अगर बात की जाए कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट करेंगे, तो सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है श्रेयस अय्यर या फिर डेविड वार्नर। इन दोनों में से किसी भी प्लेयर को आरसीबी की टीम अपनी टीम में अगर पिक कर पाए तो फिर इनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी। श्रेयस अय्यर को अगर ये अपनी टीम में पिक करते हैं तो फिर इनको कैप्टन मिल जाएगा, एक ऐसा प्लेयर मिल जाएगा जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर सकता है, जिससे आरसीबी एबी डिविलियर्स की रिप्लेसमेंट को भी आसानी से कंप्लीट कर पाएगी। और श्रेयस अय्यर एक इंडियन कैप्टन है, ब्रांड वैल्यू का भी कोई इश्यू नहीं होगा और आने वाले टाइम तक, काफी लंबे समय तक श्रेयस अय्यर आपको आरसीबी के साथ एसोसिएटेड रहते हुए नजर आएंगे। डेविड वार्नर का भी काफी सिमिलर केस है, अगर वो खेलते हैं तो आरसीबी को एक ओपनर मिल जाएगा परमानेंट, वो इस टीम के कैप्टनसी भी कर पाएंगे और उसके साथ ही विराट कोहली को ये चीज अलाउ भी करेगी कि एज अ प्लेयर वो ओपन कर पाएंगे और वो फ्रीली भी खेल पाएंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि फिर आरसीबी की टीम को एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर को छांटना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो यहां पर नाम निकल कर आता है कगिसो रबाडा। रबाडा की बात की जाए तो डीसी की टीम ने उनके ऊपर प्रायोरिटी दी है एनरिक नॉर्किया को, जिसका मतलब है मेगा ऑक्शन में आएंगे तो बहुत सारी टीमें इनके ऊपर पैसा लगाने वाली है, ऑलमोस्ट सारी ही टीमें इनके ऊपर बिडिंग करेंगी। तो रबाडा अगर आरसीबी की टीम में आते हैं तो फिर सिराज के साथ वो वही काम कर सकते हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने आवेश खान के साथ मिलकर किया था। तो कगिसो रबाडा आरसीबी की टीम की टॉप प्रायोरिटीज में रहेंगे। तीसरे प्लेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां आप लोग क्रिकेट और फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों करोड़ रुपए जीत सकते हैं। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है, इसके साथ ही आपको 24/7 विड्रॉल भी मिलता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। तीसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है रवि बिश्नोई का। रवि बिश्नोई को पंजाब किंग्स की टीम ने अपनी टीम से रिलीज कर दिया था और उसके बाद अब वो ऑक्शन में आ चुके हैं, क्योंकि अब आरसीबी की टीम के पास युजवेंद्र चहल नहीं है जो कि एक लेग स्पिनर है, सिमिलर तरीके की बॉलिंग करके देते हैं रवि बिश्नोई। हमने देखा है कि किस तरीके से बिश्नोई काफी ज्यादा परेशान करते हैं बल्लेबाजों को, खासकर जो विदेशी प्लेयर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा परेशान करते हैं। तो अब क्योंकि चहल आरसीबी की टीम में नहीं है तो इनको उनके अल्टरनेट तो ढूंढने ही पड़ेंगे। तो रवि बिश्नोई एज के हिसाब से, भारतीय प्लेयर के हिसाब से और प्राइस टैग में भी ये काफी अच्छे खासे प्राइस में आरसीबी को मिल जाएंगे, तो ये जरूर इनके रडार पर रहेंगे। चौथे नंबर पर अगर बात की जाए तो यहां पर नाम निकल कर आता है ईशान किशन का। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस की टीम चाहकर भी अपनी टीम में रिटेन नहीं कर पाई थी, जिसका मतलब है मेगा ऑक्शन के पूल में है। हालांकि नजर तो इन पर दो नई आईपीएल टीमों की भी है, तो ऐसे में चांसेस ये भी हैं कि प्री ऑक्शन में आपको ईशान किशन सोल्ड आउट होते हुए नजर आ जाएं, इधर लखनऊ या फिर अहमदाबाद की टीम में। लेकिन अब ईशान किशन अगर मेगा ऑक्शन में आ जाते हैं तो फिर ये आरसीबी की टीम के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं नंबर 4 की। एबी डिविलियर्स यहां पर बैटिंग करते हैं, वहां पर हमेशा से ही आरसीबी की टीम को अब कमी रहने वाली है एक ऐसे प्लेयर की जो कि काफी अच्छे तरीके से एक्सेलरेट कर सके। मिडिल ऑर्डर आरसीबी की टीम का हमेशा काफी खराब रहता है, तो ऐसे में ईशान किशन अगर आ जाते हैं तो एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और उसके साथ ही विकेट कीपिंग भी आपको करके दे सकते हैं, जिसको आरसीबी की टीम ऑलरेडी मेगा ऑक्शन में ढूंढेगी। तो ये इनके लिए काफी सुटेबल रहेंगे इस पोजीशन पर। इस लिस्ट में पांचवे और आखिरी नंबर पर नाम निकल कर आता है शाहरुख खान का। शाहरुख खान को रिटेन नहीं किया पंजाब की टीम ने, ये चीज काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी और इसका मतलब है कि वो मेगा ऑक्शन में आएंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि आरसीबी की टीम फिनिशिंग में हमेशा लैग करती है टॉप ऑर्डर, और उनके साथ ही जो अर्ली मिडिल ऑर्डर है वो हमेशा से ही इनकी स्ट्रेंथ रहा है, लेकिन ये फिनिश नहीं कर पाते, इनके पास अच्छे फिनिशर्स कभी भी नहीं होते। डैनियल क्रिस्टन ने इस बार काफी ज्यादा निराश किया था, डेनियल सैम्स उनके साथ ही कायल जेमिएसन, बहुत सारे प्लेयर्स ट्राई किए, लेकिन शाहरुख खान वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो इंडियन प्लेयर भी हैं, वो आपको काफी अच्छे प्राइस में भी मिल जाएंगे क्योंकि अभी तक अनकैप्ड हैं और वो प्रॉपर फिनिशिंग भी कर सकते हैं, जिसकी एबिलिटी उन्होंने पंजाब के लिए ऑलरेडी दिखाई हुई है। तो गाइज, ये वीडियो ही तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।